नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। आदिवासी कांग्रेस नेता प्यार सिंह निनामा की 20वीं पुण्यतिथि पर ग्राम खुर्दी में हजारों आदिवासी जन समुदाय ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की संचालन समिति के प्रमुख कांतिलाल भूरिया पहुंचे। आदिवासी नेता प्यार सिंह निनामा को श्रद्धांजलि देने ग्राम खुर्दी। कांग्रेस के स्थानीय कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में जुटे मऊ विधानसभा के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, मऊ विधानसभा के दिग्गज आदिवासी कांग्रेस नेता प्यार सिंह निनामा की 20वीं पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राम खुर्दी पहुंचकर आदिवासी नेता प्यार सिंह निनामा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और समस्त कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय निनामा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में स्वर्गीय निनामा को याद करते हुए भाजपा की सरकार पर तीखे हमले हुए और सभी लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि भाजपा की सरकार झूठे वादे करके प्रदेश की बोली बाली जनता को ठग रही है। प्रदेश और देश में खासकर आदिवासी समुदाय पर दिन प्रतिदिन अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सीधी की पेशाब कांड वाली घटना हो या मंदसौर और मऊ में हुआ गोलीकांड या फिर नेमावर की घटना हो, पर भाजपा की निकम्मी सोई हुई सरकार इसे रोकने में विफल है। इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज ग्राम खुर्द में हम लोग सब हजारों लोग आए हैं और यहाँ के एक लोकप्रिय प्यारचंद जी, जो आज दुनिया में नहीं रहे और आदिवासियों के अच्छा लोकप्रिय नेता थे, कुछ सरफिरे लोगों ने उनके घर में घुस के हत्या की थी, उनके बेटे दिनेश की भी हत्या कर दी और आज ही के दिन तो उसके लिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी हमारे आदिवासी समाज के लोग आकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके अधूरे जो काम छूटे, आदिवासियों के लिए जो जो करना चाहते थे, आदिवासी की लड़ाई लड़ते थे, उनको हक दिलाने का काम करते, वो उनके भावना और उनका काम को आगे बढ़ाने के लिए आज उन लोगों सब ने संकल्प लिया है। इसी तरह से अगर जो आदिवासी पर अत्याचार करता है उसको सब मिल के उसका मुकाबला करेंगे, आदिवासी को अपमान करता है उसके घर मिल के अपना सामना करेंगे ताकि किसी के साथ कोई इस तरह से हरकत नहीं कर पाए। तो यह आज उन्होंने सबको संकल्प लिया है। इसी संकल्प के दौरान आज यहाँ पर जो सभा बहुत बड़ी हुई, उस सभा में हमने प्यार सिंह जी को श्रद्धांजलि दी, उनके बेटे को श्रद्धांजलि दी और बहुत सारे कोरोना में एक्सीडेंट में ऐसे हमारे समाज के कुछ बहुत ही अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोग इस दुनिया में आज नहीं रहे, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आने वाले चुनाव में आप प्रभारी हैं कांग्रेस के, साथ ही आप आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आज बना ये भाजपा की सरकार 18 साल से है, 18 साल में आदिवासी को कुछ नहीं दिया, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ही करते रहे हैं, न उनको नौकरी दी, उनको कोई जमीन का पट्टा दिया, जो पट्टा दिया तो वो भी छीन लिया उन्होंने, और हमारी माता बहनों के सम्मान होना चाहिए उनके साथ अत्याचार हुआ, कोई किसी को बांध के ट्रैक्टर के खींच रहा है, आपके नेमावर में 7 फीट के गड्ढे में मार के गाड़ दिए, 7 एक परिवार के 7 लोगों को, और ऐसे आपके सिद्धि में एक भाजपा नेता पेशाब कर रहा, ये कौन सी उनकी मानवता है? ये मतलब एक अलग टाइप के लोग हैं, ये अत्याचार करने वाले लोग हैं। तो ऐसे कई हरकतें की, उस बात को लेकर भी हम लोग मतलब सब एकजुट होंगे, इस तरह से कोई हरकत करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, मऊ से आप किसको प्रमोट करेंगे? भाई, हमारे क्या सर्वे वगैरह किया, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सब दूर जाके हर विधानसभा में जाकर जो हारी हुई सीटें हैं उसको पहले सर्वे किया, वो जीते हुए भी जो वर्तमान में कौन क्या मजबूत उनकी भी बात की, तो उनके सब गुण भाग करके उनका गुण दोष देख के उनको सबको टिकट देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस ही सरकार बनेगी, कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री बनेगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही जावाज जुझारू आदिवासी नेता थे, जो हमेशा आदिवासी समाज ही नहीं सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और वो सब जगह सर्वमान्य थे, चाहे वो आदिवासी समाज हो या एससी समाज हो या सवर्ण समाज हो, वो सब में एक मत से लोग उनको चाहते थे।
नहीं, ये एक ऊर्जा, जब काम का जुनून हो या काम सामने मंजिल दिख रही हो, और जब ऐसे लोगों का आंसू पोंछना हो जिनके लिए कोई नहीं सोचता है, तो फिर उम्र हो या थकान हो या कोई चीज़ भी आड़े नहीं आती है। जो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए काम करने का मेरे मन में, क्योंकि इन लोगों को ही सही मायने में आवश्यकता है। आज बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी की आवश्यकता नहीं है, मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है गरीब महिला की डिलीवरी कैसे हो, उनके यहाँ बिजली कैसे चले, उनके यहाँ पानी कैसे मिले, इस बात की आवश्यकता है। ये कहावत है ना कि आदमी भरे में, भगवान भरे में भरता है। जैसे अगर ज़्यादा बारिश होती है या कहीं एक क्षेत्र को छोड़ देते तो कहता रहे भगवान तो भरे में भरता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही वोट की राजनीति आजकल, जहाँ ज़्यादा वोट है वहाँ पर लोग ज़्यादा, सरकारें भी प्रशासन भी वहाँ ज़्यादा ध्यान देता है, पर जहाँ गरीबों को अति आवश्यकता है वहाँ ध्यान नहीं देती है। आज आवश्यकता है ध्यान देने की और ध्यान से काम करने वाले की। आने वाले विधानसभा में क्या किसी की तैयारी? निश्चित रूप से हमारी तैयारी, चुनाव जब मेरा लूज हुआ था उसके दूसरे दिन से ही है, चुनाव एक दिन में नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वो हमेशा अच्छी तैयारी रही है। वो खास करके बूथ और नामावली का मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा महत्व रखता है। जो लोग अभी टिकट मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने खुद का भी नाम नामावली में देखा होगा।